तो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में अनुस्वार एवं अनुनासिक के बारे में थोड़ा विस्तृत वर्णन करते हैं। देखिए ध्यान से, अनुस्वार का जो चिन्ह होता है, यानी इसे अनुस्वार को इस रूप में लिखा जाता है, शीरा रेखा जो होती है उसके ऊपर डॉट यानी बिंदु, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, और शीरा रेखा के ऊपर एक चंद्र आकार बनाकर यानी अर्धगोला बनाकर इसमें डॉट यानी जो बिंदु लगा देते हैं, इसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। तो पहले अनुस्वार और अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु में क्या अंतर होता है वो जानते हैं। अनुस्वार यानी अंग और अह, ये वो ध्वनियाँ होती हैं जो न तो स्वर में गिनी जाती है और न ही व्यंजन में गिनी जाती है। इनको कहा जाता है अंग और अह, अंग और अह विसर्ग, इनको कहा जाता है अयोग वह, इनको कहा जाता है अयोग वह, यानी ये न तो स्वर में गिनी जाती है और न ये व्यंजन में गिनी जाती है। अनुस्वार को हम केवल नाक से बोलते हैं, जैसे देखिए हंस, जिसे केवल नाक से बोला गया। अनुनासिक, इसे हम मुंह और नाक दोनों से बोलते हैं, जैसे चांद। हंस यानी अनुस्वार एक झटके से बोला, सॉरी, अनुस्वार को रुककर बोला जाता है और अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु को एक झटके के साथ बोला जाता है। अब देखिए हम अनुस्वार का कहां कहां कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उसके नियमों के बारे में जानते हैं। अनुस्वार के जो अपना ये रूप है, इनमें देखिए ये य र ल व श स ह, ये हमारे जो चार वर्ण होते हैं ये अंतस्थ कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ कहलाते हैं। और ये श श और ह, ये उष्म वर्ण कहलाते हैं। उष्म वर्ण कहलाते हैं क्योंकि उष्म यानी गर्मी, और जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो आप बोलकर देखिए इन्हें, श हमारे अंदर से जो प्राण वायु है वो गर्म निकलती है, तो इसे हम उष्म वर्ण कहते हैं। अब इन शब्दों को देखिए, ये अपने ही अनुस्वार यहां अपने रूप में आता है, जैसे संशोधन है, संशोधन है, तो हम इसे ने के रूप में नहीं लिख सकते, यानी जहां य र ल व श स ह होगा वहां हम उसे अनुस्वार के रूप में ही लिखेंगे। इसे जैसे पंचम वर्ण होता है न म प ण, उनके रूप में हम इन्हें नहीं लिख सकते। जैसे आगे देखिए वंश, यहां शाया, यहां शाया, तो हम इसे इस प्रकार नहीं लिख सकते, यानी आधे वर्ण के रूप में हम इसे नहीं लिख सकते। इसी प्रकार संशोधन में देखिए, इसे भी हम संशोधन इस तरह से नहीं लिख पाएंगे। और देखिए वंश का देखा संयम, संयम, तो हम इसे यहां अनुस्वार के रूप में ही लिखेंगे, हम इसे पंचम वर्ण के रूप में नहीं बदल सकते, हम इसे इस प्रकार नहीं लिख सकते, तो ये गलत होता है, ये गलत माने जाते हैं। इसी प्रकार कोई भी जब इनमें से अक्षर शब्द आते हैं, और देखिए
जैसे संरक्षक, संरक्षक। अब इसे भी हम ये जो अनुस्वार है इसे अनुस्वार के ही रूप में लिखेंगे, इसे हम पंचवर्ण में नहीं परिवर्तित कर सकते। संयुक्त देखिए, इसे भी हम अनुस्वार के रूप में ही लिख सकते हैं, इसे हम पंचमाक्षर में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अब आप ये सोचोगे कि ये पंचमा अक्षर क्या है और इनको कैसे परिवर्तित करते हैं, तो देखिए ये इसका था नंबर एक नियम। और दूसरा देखिए, जब नासिक के व्यंजन के स्थान पर आते हैं यानी ये पंचमाक्षर के वर्ण पर आते हैं तो हम इसे किस प्रकार पंचमाक्षर में परिवर्तित करते हैं उसे आप देखिए। पहले आपको पंचमाक्षर के बारे में जानकारी दूं कि ये क्या होते हैं। क वर्ग की पंक्ति आप जानते हैं, क ख ग घ और ङ, जिसे हम अनुस्वार बोलते हैं, जो कि इस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए च वर्ग में, देखिए च, छ, ज, झ और ञ, ये इसका हो गया पंचवर्ण। अब देखिए ट वर्ग में, ट, ठ, ड, ढ और ण, ये इसका हो गया पंचवर्ण। अब देखिए त, त वर्ग में देखिए त, ठ, ध, ते, थे, दे, ध और ने। और अब प वर्ग में देखिए, प वर्ग का पंचम अक्षर देखिए, प, फे, बे, भे, मे, ये पंचम क्या कहलाते हैं, पंचमा अक्षर। जब इन वर्ग में से क, च, ट, त, प वर्ग में से कोई भी वर्ण होता है तो और ऊपर अनुस्वार है तो हम इन पांचों में से इसे बदल सकते हैं। देखिए उदाहरण के द्वारा, गंग, गा। अब ये ग जो है कौन से वर्ग का है, क वर्ग की पंक्ति से है तो ये इसे हम अनुस्वार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और देखिए पंचम, अब मैं इसे एक इस प्रकार से आपको लिखकर अनुस्वार में परिवर्तित बताया। अब एक इसे देखिए, हम इसे किस प्रकार इसे इसके पूर्ण रूप में लिख सकते हैं पंचम। अब ये प और च, च ये कौन से वर्ग की है, च वर्ग का है ये च, और इसका पंचम अक्षर क्या है, ये तो हम इसे पूर्ण इस प्रकार लिखते हैं पंचम। आगे देखिए एक और शब्द, कंठ, ये पढ़े कौन से वर्ग का है, ट वर्ग का है, कौन से वर्ग का है, ये ट वर्ग का है, ट, ठ, ड, ड, ने? तो हम इसको इस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं। यानी ऊपर जो अनुस्वार है मैंने आपको दोनों तरह से इसे समझाया है कि यदि हमें ऊपर अनुस्वार आया है और उसको पूर्ण रूप से लिखना है तो उसका जो आगे वाला जो वर्ग होता है उसका जो ये पंचम वर्ण होते हैं उसका आधा आ जाता है। एक देखिए अब मैं वर्ग से देखिए, चंपा, चंपा। अब इसे आपको अनुस्वार को इसके पूर्ण रूप में ही लिखना है तो हम इसे देखेंगे कि ये प कौन से वर्ग का है, प वर्ग, और इसका पंचमा अक्षर क्या है, मैं,
तो हम इसको इस प्रकार पूर्ण लिख सकते हैं, चंपा। तो आपके ये पहला अनुस्वार के रूप में परिवर्तित करते हैं, जैसे ये य र ल व श श, ये जब वर्ण आएंगे तो हम इसके जो अनुस्वार है हम उसे उस प्रकार ही लिख सकते हैं। इस प्रकार इन्हें पंचम वर्ण में परिवर्तित नहीं कर सकते। और दूसरा, ये नासिक व्यंजन है जो कि ऊपर जब इनके अनुस्वार रहता है तो हम इसके इस पंचम वर्ण के अनुसार इनको परिवर्तित कर देते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा नियम। अब देखिए, कुछ चंद्रबिंदु के बारे में भी जानते हैं जो कि अनुस्वार के रूप में भी आता है। चंद्रबिंदु कहाँ और कब कैसे आता है? जब शिरा रेखा हो ऊपर या फिर नीचे छोटे उ बड़े उ की मात्रा हो तो यहां चंद्रबिंदु ही आता है। देखिए, जैसे हंसना, ये शिरा रेखा है आ, तो यहां शिरा रेखा है, नीचे कोई मात्रा नहीं है, ऊपर भी कोई मात्रा नहीं है, यह चंद्रबिंदु आया। इसी प्रकार देखो पा, और ये बड़े उ की मात्रा है, ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है, शिरा रेखा के ऊपर किसी प्रकार की मात्रा नहीं है। पूंछ, तो हमें इसे इस प्रकार से लिखते हैं, पूंछ। कई जगह पर ओ की मात्रा में, ओ की, औ की मात्रा में, ए आई की मात्रा में भी अनुनासिक होता है, छुपा रहता है, लेकिन हमें वो लगता है अनुस्वार, क्योंकि स्थाना अभाव के कारण, स्थान नहीं होने के कारण हम उसे चंद्रबिंदु के रूप में, चंद्रबिंदु को केवल अनुस्वार के रूप में ही परिवर्तित करते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा है मैं, तो ये अनुस्वार, अनुस्वार नहीं है ये बच्चों, ये चंद्रबिंदु ही है, लेकिन स्थानाभाव के कारण, ऊपर शिरा रेखा के स्थानाभाव के कारण इसे हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। जैसे नहीं है, नहीं, तो ये यहां जो है ये भी चंद्रबिंदु है, अनुस्वार नहीं है ये, ऊपर स्थानाभाव के कारण यहां इस प्रकार से ये अनुस्वार के रूप में हम लिखते हैं। चंद्रबिंदु जब आ की मात्रा होती है, ए अंग हो, आ हो, छोटे उ की मात्रा हो, बड़े उ की मात्रा हो, वहां हम इन्हें चंद्रबिंदु के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार आपने आज अनुस्वार और अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु के बारे में जाना।